हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाही फैमिली में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे सुबह के सारे काम जो है वो निपट चुके हैं। अभी मैं लंच प्रिपरेशन के लिए आई हूँ, तो यहाँ जो है मैं आटा गूंद रही हूँ। थोड़ी डिफरेंट तरीके से आज गूंद लूँगी। तो यहाँ हाफ चम्मच मैंने ऐड कर दिया है शुगर, और हाफ चम्मच से भी कम है नमक डाल दिया है, और 1/4 स्पून जो है वो मैंने ले लिया है ईस्ट। और इन सबको अच्छे से मिला लूँगी और गुनगुने पानी से गून लूँगी। तो आटा जो लिया है मैंने, करीब 4 कप आटा लिया है, और इन्हीं में सब ऐड करके मैंने गुनगुने पानी से जो है वो आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। गुनगुने पानी से ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आटा जो है बनके रेडी हो जाएगा। तो इसको करीब 30 to 45 मिनट्स में रख दूँगी ताकि आटा जो है वो फ्लफ़ी हो जाए। तो बस आटा जो है बनकर तैयार है। मैंने उसको लेयर कर दिया है उस पर पानी का और उसको ढककर रख दिया है। तो जब तक आटा जो है वो अच्छे से फूल जाता है मैं बना लूँगी सब्जी, जिसके लिए मैंने कट कर लिया है प्याज, बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ये चिकन जो है प्री कुक्ड है मेरे पास। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी डालकर कुक कर लिया था। तो यहाँ पतीले में ऐड कर दिया है मैंने 1.5 से 2 चम्मच ऑयल। जैसे ही वो गर्म हो जाता है ऐड किया है प्याज और आलू साथ ही साथ ऐड कर दिया है। उसको अच्छे से मैं भून लूँगी, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी नमक। करीब 1/2 चम्मच से भी कम नमक ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक डाल दिया है तो ज़्यादा नहीं लगेगा। उसी हिसाब से मैंने डालना है और उसको बस ढक दिया है ताकि वो अच्छे से पक जाए। साथ ही साथ मैं कर लूँगी टमाटर कट, और अच्छा मोटा मोटा काट लिया है। तो प्याज और आलू जैसे ही भून जाता है तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको सॉफ्ट होने तक के पका लूँगी। और करीब 7 से 8 मिर्चियाँ ली है मैंने हरी मिर्च, और उसको मोटा मोटा काट लिया है और वो भी ऐड कर दिया है। अब इस पॉइंट में मैंने यहाँ ऐड किया है चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। और कोई मसाले नहीं ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको सॉफ्ट होने तक के पका लेना है। तो जैसे ही वो अच्छे से कुक हो जाता है ऐड किया है उसमें प्री कुक चिकन, और अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढककर 4 से 5 मिनट कम आंच पर उसको दम कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आलू जो है वो अब अच्छे से कुक हो चुका है, चिकन भी कुक्ड है। तो बस 2 से 3 मिनट दम कर लें और उसको बंद कर दें। आटा जो है वो भी डन है अभी, तो मैं बना लूँगी फुलके। तो बस रेगुलर जैसे आटा इसे हम फुलके बनाते हैं, बस वैसे ही बनाना है फुलके। तो इस तरह से जो मैंने फुलके बनाए थे वो बहुत ही सॉफ्ट बने थे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और मेरे सभी व्यूअर्स से मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।